नमस्कार, मैं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। कुक्षी में ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग की घटना का किया खुलासा। धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुक्षी में चौकसी वाला ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग की घटना का किया खुलासा। एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 30/10/2019 को चौकसी वाला ज्वेलर्स कुक्षी में यहाँ पर एक फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें दो लड़के मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने फायर किया, जिसमें कुछ ग्राहक और कुछ दुकान वाले इंजर हुए थे। उसमें 307 336 आर्म साइड का मुकदमा कायम किया गया था। उसमें इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करते हुए, जिसमें कुक्षी पुलिस और सनावत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को अरेस्ट किया था। उस्मान पिता शबीर और आदिल पिता सलीम, ये सेनवा के रहने वाले हैं, गिरफ्तार किया गया था। और इसी तारतम्य में कुक्षी पुलिस ने जहीर पिता जहांगीर, जो मूलतः कुक्षी का निवासी है, उसे अभी अरेस्ट किया है। यह जहांगीर जो है वो मेन कॉन्स्पिरेटर है, जिसने पूरी घटना को प्लान किया। कुक्षी का रहने वाला है और अभी माता पिता के डिवोर्स के बाद सेवा में रहता है। इन्होंने प्लानिंग करके, उनका प्लान ये था कि चमकाने के बाद फिरौती की मांग की जाएगी। और खून में भी आदिल और उस्मान में एक चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी कुक्षी में, उसको निकारित किया था। पुलिस ने अभी दोनों का, दो आरोपियों का PR और जहांगीर को भी अरेस्ट किया है, जिन्हें जेल प्रस्तुत किया। क्या वजह क्या रही सर, ये क्या वैजाशी करने के लिए या पैसा कमाने के लिए इस प्रकार की घटना? देखिए, ये लोग बदमाश हैं और अपने शौक पूरे करने के लिए और अपना एक वर्चस्व बना के रखने के लिए इलाके में इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, और इनको अभी अरेस्ट किया गया है और तीनों को जेल। सर, जहीर की गिरफ्तारी कैसे हुई सर? इसको जो है पकड़ा गया लोकल में, और इस पर काफ़ी समय से नज़र थी, और जब इसका नाम का खुलासा हुआ उसके बाद इसको पुलिस द्वारा सूचना संकेत करते। उनके पास से क्या जब्त किया? इनसे एक पिस्टल जब्त की गई है, और बाकी जो दो आरोपी उसे जो जुड़ रही है उनके पास। थैंक यू सर।